गोस्वामी जी के अनुसार भगवान जो उन्हें पीला वस्त्र धारण करे, गले में वैजंती माला पहने, चतुर्भुज स्वरूप, चारों भुजा में शंख चक्र गदा और पद्म धारण करे, कमल के समान नेत्र वाला साक्षात लक्ष्मी नारायण महाराज जो है आज माता कौशल्य लक्ष्मी नारायण महाराज की जय। माता जब अपन बेटा के ये स्वरूप लगते तो दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो जाते और भगवान लगते, प्रभु ये रूप में मैं तो तुला नहीं चाह रहा हूँ, मैं तो तुला एक नवजात के रूप में चाह रही हूँ। तो मोह अपन लिए महतारी शब्द और अपन स्वामी के लिए पिता शब्द सुनना चाहती हूँ, प्रभु मैं ये रूप में तो सेवा नहीं कर सको। भगवान जब माता के विलाप न सुनते, विनती न सुनते ना, तो लोग पूर्व जन्म के बात बताते हैं कि कैसे भैया माता कौशल्या भगवान ला बेटा के रूप में पाए बर कौन से तप तपस्या पूजा पाठ व्रत उपासना नहीं करते हैं। कश्यप और अदिति के रूप में माता कौशल्या और राजा दशरथ कई कई जन्म तक भगवान की आराधना करें, इसे तपस्या करने से तिकर फल आज ओला मिलते है। भगवान स्वयं बेटा बन के आज माता कौशल्या के ये गोदी भगवान जब है जब वो पात्र विशाल थे और एक नवजात बालक के रूप में माता कौशल्या की गोदी जब एक नवजात बालक के भांति भगवान जब जोर से रोते ना के हे करके जब रोते तो राजा दशरथ दौड़े दौड़े माता कौशल्या के बीच में आते और अपन बड़े बेटे के सुंदर से स्वरूप लगे बाबा, लेकिन ये विलन नहीं चली सी यार, वो तो गिरा भैया भागीदार लगते भाई एक रानी के की दासी आपको सुंदर समाचार सुनाती कि रानी की की चली सी ना राजकुमार और रानी सुमित्रा के दो सुंदर राजकुमार हो गए। ये प्रकार ले भैया आज राजा दशरथ के घर में एक नहीं दो नहीं सुंदर चार चार वेद के समान बेटा बन गए। आगमन हो राजा दशरथ के घर में, बोले राम लक्ष्मण हर्ष त्रिगन चारों भैया की जय। ये प्रकार ले भैया जब्बर है राजा दशरथ और माता कौशल्या के भाग और जब्बर है उगर करनी भैया कि आज भगवान ला बेटा के रूप में प्राय भर कौन से जन्म के कर्म के फल आज ओला मिलते हैं, ऐसे का कर्म करने से कि भगवान ने स्वयं उनका घर में बेटा बनाकर सती कहते भैया जब हम ये दुनिया में आए हैं ना तो अपन करनी ऐसे करके जावन करनी ऐसे करके जावन कि जब हम ये दुनिया छोड़ के जावन तो दुनिया की आँखी में आंसू रहे और अपन चेहरा में एक सुंदर से मुस्कान रहे। कहे जाते कि कर्म जिसके अच्छे हैं कर्म जिसके अच्छे हैं किस्मत उसकी दासी है और नियत जिसके अच्छे हैं धन में बदला पाती है धन में बदला पाती है। आज परिवार श्री निवेदन श्री राम आरती अगर तैयार हो गए हुई तो राम सभा तक लेके आए के प्रयास करो। अब जब तक आरती की तैयारी होगी तब तक एक छोटे से भजन के आनंद गुप्त दान 21 रुपए की राशि संगीत सत्यम शिवम सुंदरम गीत के फरमाइश करें सारे है ना। चलिए आइए अगर आरती की तैयारी हो गई हो तो आरती कर लेते हैं।
रामचंद्र की जय।